आज बना रहे हैं आलू मिक्स सब्जी बना रहे हैं, आलू गाजर और मेथी। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। हमने इसको हीट अप किया, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन। लहसुन चॉप है, एक मीडियम प्याज है और लहसुन 3 कली है। वो माशाल्लाह सेहतमंद थी इसलिए वो ज़रा ज़्यादा ही लग रहा है आपको। और 4 जो हरी मिर्ची हैं ये भी साथ ही डाल दिया हमने। हम ये अब फ्राई कर रहे हैं। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सौते करना है। जब भी सब्जी बनाएं उसमें आपने लहसुन की पेस्ट नहीं डालनी, वो फिश जैसा सालन लगेगा। इसमें चौप ही लहसुन डालेंगे सर। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 किलो गाजर है और ये 1/2 कप मेथी है। ये 1/2 किलो गाजर है और 1/2 कप वो मेथी का ये मैंने डालने है। 1/2 किलो से ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि इसमें 2-4 गैस की बची हुई गाजर भी डाल देंगे। ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम थोड़ा सा पानी 1 कप डेढ़ प्याली हम कप डाल के ढक के पकाएंगे। अब ढक देंगे ताकि थोड़ी सी ये ठंड हो जाए। हाँ जी, अब हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा पानी है, ये हाफ डन हो गई है। अब हम इसमें 1 कप ये डालेंगे, हरा धनिया 1 कप है ये, और आलू भी डालेंगे। ये आलू डालेंगे, 1/2 किलो आलू हैं। अभी हम नमक भी और डालेंगे और मिर्ची भी और डालेंगे। एक टीस्पून पाइए कीमत। 1 टीस्पून लेवल नमक डालेंगे और 2 मिर्च मसाला 1 टीस्पून भर के डाल दीजिए। अब ये 2 टीस्पून होम मेड मसाला हो गया और 1.5 टीस्पून नमक हो गया।
ऑयल का एक चम्मच। ऑयल का एक चम्मच हम और डालेंगे, आलू भी आधा किलो डाले हमने। अब हम इसको ढक देंगे, आलू इसी में गल जाएंगे। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए, ये पकेगा। अभी हम चेक करेंगे हमारा खाना तैयार है। हाँ जी, ऑयल भी ऊपर आ गया, और एक पिंच हम काली मिर्ची भी डाल देते हैं। नमक परफेक्ट है। एक पिंच हम काली मिर्ची डालेंगे। बस ये डन है। अब आप चाहे बॉइल्ड राइस के साथ खाएं या चपाती के।